वेलकम टू डुओ कोडर्स। डुओ कोडर्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो में देखते हैं अबाउट हाउ टू होस्ट योर फ्लास्क एप्लीकेशन इनटू वर्सल। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैं आज अपने कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर और इस वीडियो में डिस्कस करते हैं कंप्लीटली अबाउट कि कैसे मैं अपने फ्लास्क के एप्लीकेशन को वर्सल में होस्ट कर सकता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं गूगल क्रोम पे आ जाता हूँ वर्सल के अंदर, और वर्सल बेसिकली एक होस्टिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपने फ्रंट एंड, बैक एंड और कोई भी वेब एप्लीकेशंस को होस्ट कर सकते हो, एपीआईस को होस्ट कर सकते हो। और यहाँ पे पहले मतलब पहले के टाइम थोड़ा जब ये इंट्रोड्यूस हुआ था तब ये इसमें केवल फ्रंट एंड को होस्ट कर सकते थे, लेकिन अभी बैक एंड एप्लीकेशंस भी होस्ट कर सकते हैं। और ये वही कंपनी है जिसने नेक्स्ट जेएस क्रिएट किया है। नेक्स्ट जेएस, अगर आप एक जावास्क्रिप्ट डेवलपर है तो, या अगर आप एक डेवलपर है इन जनरल तो नेक्स्ट जेएस के बारे में सुना होगा। एक बहुत ही पॉपुलर जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क बन चुका है वो, और वर्सल इज द कंपनी जिसने नेक्स्ट जेएस को डेवलप किया है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपनी भी है, होस्टिंग प्लेटफॉर्म भी है, तो हम इस पे होस्ट भी कर सकते हैं। लेट्स डायरेक्टली जंप इनटू कैसे फ्लास्क के एप्लीकेशन को होस्ट करना है। तो मैं पहले तो एक काम करता हूँ, यहाँ पे आके ना एक एम्प्टी रिपोजिटरी क्रिएट कर लेता हूँ, ये पहले के प्रोजेक्ट्स बंद कर देता हूँ, एक न्यू रिपोजिटरी क्रिएट कर देता हूँ जिसका नाम मैं रख देता हूँ फ्लास्क टेस्ट। और इसको चूज कर लेता हूँ कि कहाँ पे इसको होस्ट करना है, कहाँ पे रखना है। यहाँ पे रख लेते हैं इस फोल्डर को, एक रिपोजिटरी, एक बहुत ही फ्रेश रिपोजिटरी क्रिएट किया मैंने एकदम स्टार्ट से करके दिखाऊंगा आपको। और बाय द वे ये जो मैं यूज कर रहा हूँ एक गिटहब का डेस्कटॉप वर्जन है। तो यहाँ पे मैं खोल लेता हूँ अपने विजुअल स्टूडियो कोड को, एंड यहाँ पे एकदम फ्रेश बनाते हैं एक न्यू फाइल जिसका नाम मैं रख देता हूँ main.py। यहाँ पे एक बेसिक फ्लास्क का कोड मैं लिख दूंगा। यहाँ पे मैंने एक बॉयलर कोड बनाया हुआ है, बॉयलर प्लेट, जो कि शायद आ नहीं रहा है अभी। फ्लास्क एफ लिखते ही फ्लास्क, तो एक बॉयलर बॉयलर प्लेट है ये फ्लास्क का जो मैंने क्रिएट किया हुआ था। इसको रन कर देते हैं अब, पाइथन main.py, इसको रन कर देता हूँ मैं। और यहाँ पे हम लोग का सर्वर ऑन हो चुका है, इसको खोल के देखता हूँ। ऑब्वियसली यहाँ पे कुछ दिखेगा नहीं अभी क्योंकि मैंने कोई राउट तो बनाया नहीं है। तो अभी एक राउट बना लेते हैं, एक @app.route एक राउट बनाते हैं। स्लैश राउट केवल एक ही राउट बनाता हूँ यहाँ पे, ताकि क्योंकि मेरे को केवल समझाना है कि काम कैसे करता है। एक स्टार्ट राउट बना लेते हैं, रिटर्न कर लेते हैं कि दी MBSA सर्वर इज रनिंग, ठीक है। और यहाँ पे इसको सेव कर लेता हूँ मैं, ओके। और अभी जाके यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं और ऑब्वियसली ये सर्वर रनिंग आ रहा है। एक राउट और बना लेते हैं जिसमें मैं किसी टेम्पलेट को होस्ट करा देता हूँ, यानी किसी index.html को सर्व करा देता हूँ ना, ताकि थोड़ा क्लियर हो जाए कि ये भी काम करे। एक /MBSA राउट बना देता हूँ, इसका नाम भी MBSA रख देते हैं, और रिटर्न में टेम्पलेट रेंडर करा देंगे। रेंडर टेम्पलेट ले लेता हूँ मैं यहाँ से फ्लास्क के अंदर से, और यहाँ पे टेम्पलेट को रेंडर करा दूंगा। और टेम्पलेट का नाम होता है index.html, ले लेता हूँ टेम्पलेट का नाम index.html, ले लेता हूँ उस टेम्पलेट का नाम। और इसको अपने को ब्रैकेट्स के अंदर डालना था, सेव कर लेते हैं, डन। यहाँ पे टेम्पलेट्स नाम का फोल्डर बनाना पड़ेगा और इसके अंदर डालना पड़ेगा एक index.html फाइल। इसको ऐसे कर लेते हैं, बॉयलर प्लेट डाल दिया इंडेक्स का, सॉरी html का। यहाँ पे एक h1 टैग बना लेता हूँ और सेम कंटेंट कॉपी कर लेते हैं कि दी सर्वर इज रनिंग, सेव कर लेते हैं। और यहाँ पे आ जाता हूँ मैं, रिफ्रेश कर लेता हूँ इसको एक बार, /MBSA राउट पे आ जाता हूँ। यहाँ पे देखिए h1 टैग आ चुका है, ठीक है। तो दोनों राउट्स यहाँ पे बन चुके हैं, स्लैश राउट और /MBSA राउट, और दोनों ही काम भी कर रहे हैं। अब इसको करते हैं अपने वर्सल के अंदर। तो सबसे पहले करना क्या है कि जो भी आपने कोड ये लिखा हुआ है इसका थोड़ा हमको स्ट्रक्चर चेंज करना होगा क्योंकि हम लोग इसको अभी वर्सल में होस्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहला चीज तो आपको ये करना है कि जो भी आपका मेन फाइल है जहां पे पूरा पाइथन का कोड है, यानी कि जो फ्लास्क का कोड है, उसको रीनेम करके ऐप कर लो, app.py। सबसे इंपॉर्टेंट चेंज तो ये करना है आपको। नेक्स्ट एक न्यू फाइल क्रिएट करनी है जिसका नाम रखना है wsgi.py। अगर आप फ्लास्क के इनडेप्थ के बारे में जानते हैं, थोड़ा अंदर फ्लास्क कैसे काम करता है, तो आपको ये पता होगा कि ये wsgi वेब फ्रेमवर्क पे बेस्ड है, तो wsgi बनाना है, दैट इज द रूल, ठीक है। इसको बना के ऐप के अंदर आओ और यहाँ पे जो ये कोड लिखा हुआ ना कि ऐप को रन करना, ये वाला कोड यहां से हटा दो, ठीक है। wsgi में आके लिख दो फ्रॉम ऐप, यानी कि app.py से इम्पोर्ट ऐप, और ये ऐप को इधर रन करो, कहां पे wsgi.py के अंदर रन करना है इसको, ठीक है। एक और फाइल बनानी है हम लोग को इसी डायरेक्टरी में, index.py। क्यों बनानी है उसके बारे में बताता हूँ आपको थोड़ा देर में। index.py बनाओ और यहां पे कर दो फ्रॉम wsgi, यानी कि wsgi जो .py फाइल बनाया उससे ऐप को इंपोर्ट कर लो और ये सेव कर दो। ये तीन जो चेंजेस करने हैं ऐप को, जो भी आपका फाइल है पहले से app.py तो अच्छी बात है,
अगर मेन डॉट पी वाई नाम से बनाया तो उसको ऐप डॉट पी वाई कर दो, इंडेक्स डॉट पी वाई बना लो, डब्ल्यू एस जी आई डॉट पी वाई बना लो। नेक्स्ट आपको एक इंपॉर्टेंट फाइल क्रिएट करना है जो कि वर्सल स्पेसिफिक फाइल है, जो कि है वर्सल डॉट जेसॉन फाइल, जो कि वर्सल के कॉन्फिग्रेशन रखती है, पूरे वर्सल के कॉन्फिग्रेशन, और इसके अंदर आपको डालना है ये कोड। तो इस कोड का बेसिकली मैं आपको पहले मीनिंग बता देता हूँ। ये जो कोड है ये ऑब्वियसली मैं ये जो पूरा गिटहब का रिपोजिटरी है इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप ये जो फाइल का कॉन्टेंट है उसको कॉपी कर लेना। ये वर्सल डॉट जेसन बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइल है। ओके तो इस वर्सल डॉट जेसन के अंदर सबसे पहले तो मैंने ये लिखा हुआ है कि इसका वर्जन क्या है, वर्जन 2 लिखा है, 1 क्यों नहीं लिखा। 1 लिख के देखा था मैंने और होस्ट करके देखा था ये काम नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 स्पेसिफाई किया, और खुद मेरे को वर्सल नहीं बोला कि 2 लिखना है यहाँ पे, आई डोंट नो व्हाई, बट 2 लिखने से काम कर रहा है। बिल्ड्स के अंदर आप देखोगे यहाँ पे तो मैंने सोर्स लिखा है इंडेक्स डॉट पी वाई, कोई भी नाम लिख सकते हो, मैंने इंडेक्स चूज किया हुआ था, इसलिए मैंने यहाँ पे रीनेम करने, सॉरी एक फाइल क्रिएट करने बोला था इंडेक्स डॉट पी वाई नाम का, जहां पे आपका मेन ऐप है, तो ये तो बनाना ही आपको, ये उसको स्पेसिफाई करता है। यूज वर्सल का पाइथन यूज करना है, पाइथन का 3.6 वर्जन यूज करना है, आपको कुछ चेंज करना है तो पाइथन 3.8 या जो भी है वो भी कर सकते हो, डिपेंड्स ऑन आप क्या यूज करना चाहते हो। और ये राउट्स जैसा लिखा है वैसी स्पेसिफाई करके आपको छोड़ देना है सिंपली, और वर्सल डॉट जेसन फाइल क्रिएट करना है। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट फाइल जो कि हर पाइथन प्रोजेक्ट में होना ही चाहिए, जो कि है रिक्वायरमेंट्स डॉट टीएक्सटी। इसके अंदर आप सभी पैकेजेस मेंशन करते हो जो भी आपने यूज किया है अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो मैंने ऐसा तो कुछ यूज किया नहीं है, मैंने केवल फ्लास्क यूज किया है और कोई नहीं नया पैकेज यूज नहीं किया, तो मैं केवल फ्लास्क यहाँ पे मेंशन कर दूंगा, और फ्लास्क का भी स्पेसिफिकली 2.0.1 वर्जन मेरे में इंस्टॉल्ड है, इसलिए मैंने वो स्पेसिफाई कर दिया यहाँ पे। ये करने के बाद जितने भी आपका फाइल स्ट्रक्चर है वो क्रिएटेड है, सिंपली मैं वापस आता हूँ यहाँ पे और अपने जो गिटहब रिपोजिटरी है उसको पब्लिश कर देता हूँ, एक कमिट हिस्ट्री लिख के, और यहाँ पे पब्लिश कर देता हूँ मैं अपने रिपोजिटरी को फ्लास्क टेस्ट नाम से, और सॉरी फ्लास्क का स्पेलिंग मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे, टाइपो तो होता ही रहता है डेवलपर थिंग्स। तो जो मेरा रिपोजिटरी है वो यहाँ पे पब्लिश हो चुका है, इसको मैं व्यू इन गिटहब करके गिटहब पे भी देख सकता हूँ कि रिपोजिटरी ऑलरेडी बन गई है, और मेन के अंदर यहाँ पे मेरे जितने भी फाइल्स है सब मैंने डाल दिया। नेक्स्ट आपको करना ये है कि आप वर्सल के डैशबोर्ड पे आ जाओ। वर्सल में ऑब्वियसली जब आप क्रिएट कर रहे होगे, साइन अप कर रहे होगे, उस टाइम पे आपको इसको गिटहब के साथ ऑथेंटिकेट करना होगा, तो वो सब आप कर लेना, वो बहुत ही आसान सा काम होता है। उसके बाद आपका जब ये वाला डैशबोर्ड आ जाएगा, सिंपली एड न्यू पे क्लिक करना है, एड न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपके जितने भी गिट रिपोजिटरीज है, सॉरी गिटहब रिपोजिटरीज है, वो यहाँ पे दिखाने लग जाएगा। मैंने जस्ट क्रिएट किया फ्लास्क टेस्ट, इसको इंपोर्ट पे क्लिक कर दो, इसके इंपोर्ट पे क्लिक कर देना है, रूट डायरेक्टरी वही है, कुछ भी चेंज नहीं करना है आपको, कुछ भी चेंज नहीं करना। अगर आपके में एनवायरमेंटल वेरिएबल्स कुछ यूज किया है आपने, डॉट ईएनवी फाइल कुछ यूज किया है, तो यहाँ पे वो वेरिएबल्स को ऐड करना है, मैंने कुछ नहीं किया हुआ है, और ये सब भी कुछ चेंज करने का कोई जरूरत नहीं है। फ्रेमवर्क्स भी मत चूज करो क्योंकि फ्रेमवर्क यहाँ पे फ्लास्क लिखा हुआ नहीं है, तो अदर पे अदर ही रहने दो। ये सब सेलेक्ट करने के बाद यहां पे ये चूज कर लेना, इसी नाम से डोमेन बनेगा, और डिप्लॉय पे क्लिक कर दो एंड जस्ट वेट टिल इट डिप्लॉयज। और ज्यादा टाइम नहीं लगेगा डिप्लॉय करने में, कुछ सेकंड्स का टाइम लगेगा और ये डिप्लॉय हो जाएगा। और यहां पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो प्रोडक्शन का बिल्ड है वो बन चुका है, यहाँ डिप्लॉय हो चुका है। मैं विजिट करता हूँ, एक बार विजिट करता हूँ और ऑथेंटिकेट हो रहा है ये, और लेट्स सी द एमबीएस सर्वर इज रनिंग। और यहाँ पे देखो एक लिंक भी असाइन हो गया है, लिंक तो बहुत लंबा सा लग रहा है, एक मिनट मैं इसके मेन उस पर जाता हूँ, फ्लास्क टेस्ट पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे इसको एक मेन डोमेन असाइन हुआ होगा, फ्लास्क टेस्ट डॉट वर्सल डॉट ऐप प्रोजेक्ट, ये रहा, जो भी है बेसिकली आपको इस पर क्लिक कर दो, और ये आपका यहाँ पे फ्लास्क का ऐप खुल जाएगा। देखो ये डिप्लॉय हो गया है, और मैं स्लैश एमबीएसए पे चला जाता हूँ जो कि मैंने बताया था आपको, और ये देखो ये रहा जो HTML है वो भी रेंडर हो रहा है। ये इस तरीके से फ्लास्क के ऐप को डिप्लॉय कर सकते हैं बहुत ही आसानी से इनटू वर्सल। एक और चीज है जो मैं आपको बताना भूल गया, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि मैंने रिक्वायरमेंट्स डॉट टीएक्सटी जो फाइल है उसमें केवल फ्लास्क को ऐड किया था, बट यहाँ पे आपको वर्ज्यूक जो कि फ्लास्क इंटरनली यूज करता है पीछे, उसका भी एक वर्जन स्पेसिफाई कर देना चाहिए जो आपके लैपटॉप के अंदर है। या अगर आपने ये नहीं किया तो भी ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, मैंने देखा है कि ये नहीं स्पेसिफाई करने से डिप्लॉय अच्छे से नहीं होता है और डिप्लॉयमेंट में एरर आता है, तो ये वाला वर्ज्यूक का जो वर्जन है वो भी आप स्पेसिफाई कर देना, और फ्लास्क का वर्जन भी स्पेसिफाई कर देना रिक्वायरमेंट्स डॉट टीएक्सटी फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ दी वर्सल डिप्लॉयमेंट। एंड दैट वॉज प्रिटी मच इट, ऐसे ही डिप्लॉय करते हैं इन टू वर्सल। एंड या दैट वॉज अबाउट द वीडियो, थैंक यू सो मच गाइस एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।